नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्टी सेवन डगमगला। चौराहे पर भारी बवाल हो रहा है। ये देखिए एनआईएस के टीचर हैं जो इन्हें पुलिस पकड़ के ले गए। अभी लगातार लाठी चार्ज हुई है अभी यहाँ पे, और लगातार जो पुलिसकर्मी हैं, दरअसल आपको बता दें कि आज पटना के गांधी मैदान से एनआईएस डीएलडी के जो टीचर हैं वो लगातार प्रोटेस्ट करने आए थे, और पुलिसकर्मियों ने हल्का फुल्का बल प्रयोग भी किया है। आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से पुलिस जो है वो जो टीचर्स हैं एनआईएस के उनको समझा रहे हैं, और लगातार कोशिश की जा रही है। ये देखिए पुलिसकर्मियों ने सीधे खदेड़ कर पीछे भगा दिया है। जो आज इनका प्रोटेस्ट है, ये गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं एक पुलिसकर्मी। ये देखिए तस्वीरें देखिए, दरअसल ये प्रोटेस्ट कर रहे थे प्रतिबंधित क्षेत्र में, डगमगला चौराहे का प्रतिबंधित क्षेत्र है, और लगातार पुलिसकर्मियों जो है उन्हें पीछे ढकेल रहे हैं। और ये देखिए दूसरी तस्वीरें देखिए, गिरफ्तार डिटेन किया जा रहा है। ये भी एक एनआईएस अभ्यर्थी है जिन्हें पुलिसकर्मियों ने डिटेन किया है, और लगातार क्या हुआ कहते गिरफ्तार करके। हम लोग शांति से चल रहे हैं, बोल रहे हैं कि दोनों को गिरफ्तार करके ले जाओ, रोड के किनारे नहीं चल सकते हम लोग। चलिए आगे देखिए तस्वीरें, लगातार जो पुलिसकर्मी है पटना पुलिस है वो पीछे खदेड़ रही हैं जो एनआईएस के जो टीचर हैं। आपको बता दें कि इनकी मांग है कि इनकी डिग्री को भी मान किया जाए, और लगातार ये देखिए डंडे लेकर लगातार जो टीचर्स हैं जो प्रोटेस्ट करने आए थे उन्हें भगा रहे थे। ये डगमगला चौराहे का इलाका है, पूरा बवाल हैवी बवाल यहाँ पे हो रहा है। देखिए किस तरीके से लगातार पुलिसकर्मी जो है वो पीछे ढकेल रहे हैं। आपको बता दें तकरीबन एक घंटे से जो टीचर्स थे एनआईएस के वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, डगमगला चौराहे पर बैठ गए थे, जिसकी वजह से हैवी ट्रैफिक हो गई थी। वैसे भी डगमगला चौराहा जो है वो प्रतिबंधित क्षेत्र माना जा रहा है, लेकिन हालांकि पीछे ढकेलने के बाद भी अभी पुलिसकर्मी उन्हें और कह रहे हैं कि आप चले जाइए, लेकिन जो टीचर्स हैं वो मानने को तैयार नहीं है। वो खड़े हो गए हैं डगमगला चौराहे की जो स्टेशन वाल रोड जाती है उसके पीछे खड़े हो गए हैं। अमूमन डगमगला जो चौराहा है वो प्रतिबंधित क्षेत्र माना जाता है, लेकिन तकरीबन एक घंटे से हैवी बवाल पटना के डगमगला चौराहे पे मचा हुआ। ये तस्वीरें देखिए जहाँ पे पुलिसकर्मी लगातार उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाइए, अगर आपको धरना देना है तो आप गर्दनीबाग जाइए, धरना स्थल है गर्दनीबाग, लेकिन टीचर मानने को तैयार नहीं है। और दरअसल आपको बता दें कि आज बिहार विधानसभा का तीसरा शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है, और अभी भी इन लोगों का प्रोटेस्ट जारी है। आप बताइए पीछे ढकेल दिया गया नहीं, हम लोग के साथ आतंकवादियों की तरह व्यवहार किया जा रहा है प्रशासन से। देखिए किस तरह से कलर पकड़ा गया मेरा, हम एक शिक्षक हैं, प्राइवेट शिक्षक हैं जो कि 2000 रुपए में काम करते हैं। नहीं, आपको धरना देना है तो आप गर्दनीबाग में देखिए, ये प्रतिबंधित क्षेत्र है ना, प्रतिबंधित क्षेत्र है, तो हम लोग सरकार ना सुने हम लोग तो हम लोग क्या करेंगे। तीन महीना से हम लोग कोर्ट के माध्यम से लड़ रहे हैं, हम लोग तीन महीना से ये लगातार कर रहे हैं, एक बार और हो चुका है हम लोग प्रत्येक जगह आवेदन। चलिए अभी भी बवाल जारी है, लगातार एनओएस के जो टीचर हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।